नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नीड रैंकर भाई दया सर में। तो आज का जो सेशन है अपना चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसको हम लोग एनसीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे और जब अंत करेंगे इस चैप्टर को तो हम लोगों को क्या मोक्ष मिल जाएगा, यानी कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा, मैं ये गारंटी लेता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास सारे एनसीईआरटी डिस्कशन सीरीज, एमसीक्यू सीरीज और पीवाईक्यू सीरीज पहुंचता रहे। तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल। हाँ, हम लोग भली भांति जानते हैं कि जीव कितना से कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसका जो लाइफ है, उसका जो जीवन है, उसका शुरुआत केवल एक कोशिका से ही होता है, यानी एक कोशिका से ही बड़े से बड़े जीवों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यू मे वंडर हाउ ए सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और हम ये आश्चर्यचकित हो जाते हैं ये देख करके कि कैसे एक सिंगल सेल के द्वारा इतने बड़े लार्ज ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स, और हम लोग जानते हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, सेल का। सेल का ही नहीं बल्कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंजिन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिर्फ सेल का ही ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, बल्कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इंटू टू, यानी प्रत्येक जो सेल है वो क्या करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है दो में डिवाइड करके, ठीक। With each parental cell giving rise to two daughter cells each time they divide, ठीक है। जो parental cell होता है वो divide करके दो daughter cell का क्या करता है, निर्माण करता है, और फिर वो जो daughter cell जो बना है वो फिर क्या divide करके फिर वो daughter cell का निर्माण करेगा। These newly formed daughter cells can themselves grow and divide, और जो parent cell से जो नया दो daughter cell बना है वो फिर क्या करेगा, grow करके फिर वो divide करेगा, फिर वो दो दो daughter cell में क्या हो जाएगा, divide हो जाएगा। Giving rise to new cell population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny, ठीक है। और जो parental cell था वो क्या किया, divide करके दो daughter cell में divide हो गया, और फिर वो दो daughter cell फिर क्या किया, grow करके फिर वो divide हो गया। तो इस तरह से क्या है, एक cell के population का निर्माण हुआ, ठीक है, यानी कि cell के आबादी का निर्माण होता है। In other words, such cycles of growth and cell division allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells. और इस प्रकार सेल में ग्रोथ के दौरान और इसमें एक साइकिल चलता है क्या, उसके ग्रोथ का और उसके डिवीजन का एक साइकिल चलता है, और इस प्रकार क्या होता है, एक सिंगल सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक सिंगल सेल के द्वारा ही एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें मिलियन सेल प्रेजेंट होता है। एक सेल डिवाइड करके क्या करेगा, मिलियन ऑफ सेल में क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये एक स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेगा, ठीक है। यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सेल साइकिल, तो यहाँ से क्या करना है, कंसंट्रेट करना है। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उसे खोल लीजिए, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल। सेल डिवीजन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल डिवीजन एक काफी काफी महत्वपूर्ण प्रोसेस है जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ ए सेल, यानी सेल डिवीजन के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन और साथ में ही सेल का ग्रोथ चलता रहता है, ठीक। क्या क्या होता है सेल डिवीजन के दौरान, तो डीएनए का रेप्लिकेशन और ग्रोथ ऑफ सेल। ऑल दिस प्रोसेस जैसे कि सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हेंस हैव टू टेक प्लेस इन कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम्स, ठीक है। सेल डिवीजन के दौरान क्या क्या प्रोसेस होता है, तो सेल डिवाइड करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और सेल का ग्रो होता है। तो ये सारे जो प्रोसेस ये कोऑर्डिनेटेड वे में चलता रहता है साथ साथ, ठीक है। और ये इस प्रकार से चलता, इस सही मैनर में ये चलता है कि जो पेरेंटल सेल का जीनोम है वो डॉटर सेल यानी कि प्रोजनी सेल में जा सके, ठीक। दिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, ठीक है, ये क्या है, इवेंट का सीक्वेंस जिसके द्वारा जीनोम का क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, सिंथेसाइजेस द अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स इज टर्न्ड एड सेल साइकिल। इस सेल साइकिल का क्या है डिफिनीशन, यानी कि वो सारी घटनाओं का क्या सीक्वेंस जिसमें क्या हो सके, जीनोम का डुप्लीकेशन हो सके और जो सारे कंस्टिट्यूएंट है सेल में प्रेजेंट उसका सिंथेसाइज हो सके और उसके बाद क्या हो सके, उसके बाद सेल डिवाइड कर सके दो डॉटर सेल में। तो
ये सारे जो साइकिल चल रहा है, ये साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। तो ये हम लोग को क्या करना है, याद रखना है सेल साइकिल का क्या है डिफिनीशन। क्या डिफिनीशन? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसाइजेस द अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल इज टर्न्ड एज सेल साइकिल। ठीक। अलाउ सेल ग्रोथ, सेल का ग्रोथ हम कब बोलते हैं कि सेल ग्रो कर रहा है, जब उसके साइटोप्लाज्म में इंक्रीज होगा। अलाउ सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, जबकि सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डीएनए सिंथेसिस ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज स्टेज इन द क्या सेल साइकिल। ठीक है, जो ये सेल का ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है, लेकिन डीएनए का सिंथेसिस होता है एक स्पेसिफिक स्टेज में ही हो पाता है डीएनए का सिंथेसिस सेल साइकिल के दौरान। द रेप्लीकेटेड क्रोमोजोम, जो पेरेंट सेल था उसमें क्या क्रोमोजोम क्या क्या रेप्लीकेट किया, और आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियस बाय ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, यानी सेल डिवीजन के दौरान क्या हुआ, जो पेरेंटल क्रोमोजोम था वो क्या क्या रिप्लीकेट करके क्या, यानी कि डॉटर के सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल, यानी कि जो ये सारे इवेंट है, किसका इवेंट, तो सेल साइकिल का जो सारा ये इवेंट है देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल, जो ये सारे इवेंट है किसके कंट्रोल में चलता है, वो जेनेटिक कंट्रोल के में ये क्या होता है चलता रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे फेजेज ऑफ सेल साइकिल, फेजेज ऑफ सेल साइकिल जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है और सेल डिवीजन पहले क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्यों होता है और कैसे होता है, तो ये सारी चीज हम लोग जानेंगे कि सेल डिवीजन होता क्या है। तो सेल डिवीजन होता क्या है, तो पहले ये जानते हैं कि सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है। तो सेल डिवीजन दो प्रकार का हम लोगों को पढ़ना है, तो पहला है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। माइटोसिस में ऐसा होता है कि जो पेरेंटल क्रोमोजोम है, पेरेंटल पेरेंट में जो क्रोमोजोम का संख्या है जो उसके डॉटर सेल में भी क्या रहे डिवाइड करने के बाद, यानी डिवीजन के बाद सेम रहेगा, तो उसे माइटोसिस डिवीजन बोलेंगे, यानी क्रोमोजोम का नंबर पेरेंट और डॉटर सेल में सेम रहेगा। जबकि मियोसिस में क्या होता है कि पेरेंट सेल में जो क्रोमोजोम का नंबर है यानी कि संख्या है उसके आधा हो जाता है उसके डॉटर सेल में, यानी कि आधा हो जाता है पेरेंट सेल में। क्या मान लीजिए पेरेंट सेल क्या है, जैसे हम लोगों का बात करते 46 है, तो हम लोग के डॉटर सेल में मियोसिस के दौरान क्या 23 क्रोमोजोम हो जाएगा, जो कि कब होता है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। तो ये दो टाइप है, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस क्या होता है और क्यों होता है और कैसे होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे अपना टॉपिक दिया हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, ये चर्चा करेंगे, पहले सिग्निफिकेंस, पहले ये जानेंगे होता क्या है माइटोसिस और क्यों होता है कैसे होता है, तब ना इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे होता है, पहले जानेंगे ही नहीं कि होता क्या है और क्यों होता है, तो कैसे क्यों पढ़ेंगे आगे कैसे ही पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं माइटोसिस के बारे में कि माइटोसिस होता क्या है। माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉइड सेल्स ओनली। ठीक है, तो माइटोसिस डिवीजन होता है यानी कि इक्वेशनल डिवीजन, इसे इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं कि इसमें जो पेरेंट का सेल है और डॉटर का सेल है उसी में क्रोमोजोम का नंबर क्या होता है इक्वल होता है, यानी कि सेम होता है, इसलिए इसे माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है, जो कि मोस्टली डिप्लॉइड सेल में देखने को मिलता है मोस्टली। ठीक, हाउएवर इन सम लोअर प्लांट्स एंड इन सम सोशल इंसेक्ट्स हैप्लॉइड सेल्स आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस, जबकि कुछ लोअर प्लांट्स में और कुछ सोशल इंसेक्ट में हैप्लॉइड सेल में भी क्या होता है माइटोसिस के द्वारा सेल डिवीजन होता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली किसमें होता है डिप्लॉइड सेल में, ये हम लोग को याद रखना है, जबकि कुछ लोअर प्लांट्स और सोशल इंसेक्ट में हैप्लॉइड सेल में भी क्या होता है माइटोसिस डिवीजन होता है। इट इज वेरी इसेंशियल, इट इज वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये काफी जरूरी है क्या, इसके महत्व को समझना एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ में, कि डिवीजन का महत्व क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में, ये समझना काफी काफी क्या है इसेंशियल है, यानी कि जरूरी है। आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जाम्पल्स वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट एप्लाइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट्स। ठीक है, और हम लोग वो क्या बोल रहा है कि ऐसा कुछ एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं या पढ़े हुए हैं, जैसा कि एप्लॉइड सेल में क्या होता है माइटोसिस होता है या क्या डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस होता है, तो ऐसा एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं कि क्या कि हैप्लोन्टिक जो लाइफ साइकिल होता है प्लांट में, हैप्लोन्टिक वाला जो कि हम लोग पढ़े थे प्लांट किंगडम में, हैप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक और हैप्लोडिप्लोन्टिक, जो हैप्लोन्टिक जिसका लाइफ साइकिल होता है उसमें क्या होता है उसका तो प्लांट बॉडी कैसा है, उसमें डिवीजन कैसे होगा, उसे भी तो डिवाइड करने का हक है ना, वो भी तो डिवाइड करके ग्रो करेगा ना, तो कैसे डिवाइड करता है, तो उसके
ये हैप्लॉइड सेल में डिवीजन होता है हैप्लोन्टिक वाले में, ठीक है, वो ये एग्जांपल था। अगला है, माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। और हम लोग जानते हैं कि माइटोसिस जनरल यानी कि मोस्टली डिप्लॉइड सेल में ही होता है, और डिप्लॉइड सेल में जब माइटोसिस होगा तो उसका जो डॉटर सेल होगा वो भी कैसा होगा, डिप्लॉइड ही होगा, क्योंकि क्रोमोजोम का नंबर क्या है उसमें भी कैसा है, डिप्लॉइड है, यानी कि 2n है, तो उसके डॉटर सेल में भी 2n रहेगा तो वो भी डिप्लॉइड होगा। और जो इसका क्या है जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट है वो भी कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा, अपने पेरेंट के जैसा ही होगा। द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। और जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है इसमें ग्रोथ कैसे होता है, तो माइटोसिस डिवीजन के दौरान, ठीक है, यानी एक सेल वो ग्रो किया, दो बना, दो से फिर चार बना, चार से आठ बना, तो ये क्या हो रहा है, यानी ग्रो हो रहा है, सेल का ग्रो हो रहा है। जब सेल ग्रो करेगा तो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ग्रो करेगा, तो किसके द्वारा ये ग्रोथ होता है, तो माइटोसिस डिवीजन के द्वारा। सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेल ग्रोथ के दौरान क्या होता है, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि भाई साइटोप्लाज्म तो बढ़ता रहता है और न्यूक्लियस उतने बड़ा है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म इतना बड़ा हो गया कि न्यूक्लियस का कंट्रोल उस पर नहीं रहा, अब यानी न्यूक्लियस अब उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, अरे भैया साइटोप्लाज्म बढ़ता ही जा रहा है, सेल बढ़ता ही जा रहा है, तो एक न्यूक्लियस कैसे उसे कंट्रोल करेगा, वो क्या होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इट देयरफॉर बिकम्स एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। और क्या हो जाता है, ये एसेंशियल हो जाता है कि ये सेल अपने न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को बनाए रखे, तो इसके लिए क्या डिवीजन का आवश्यकता पड़ जाता है, ठीक है, यानी कि दोनों का जो रेशियो रहे वो कोऑर्डिनेट वे में चलता रहे और सेल क्या यानी कि सही तरीके से फंक्शन कर सके, इसलिए इसके न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को बनाए रखने के लिए सेल में क्या होता है, डिवीजन होता है, ठीक है। तो सेल क्यों डिवाइड करता है, तो इसके न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को बनाए रखने के लिए सेल डिवाइड करता है, ठीक है। ए वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इन सेल रिपेयर, ठीक है। और क्या है, माइटोसिस का सेल रिपेयर में ये काफी कंट्रीब्यूट है, यानी काफी काफी महत्वपूर्ण योगदान है, यानी कि कोई सेल क्या हो गया, डैमेज हो गया, तो वो रिपेयर कैसे होगा, तो रिपेयर माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा रिपेयर उसका होगा, ठीक है। द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, जो हमारे एपिडर्मिस का अपर लेयर है, ठीक है, और सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ गट्स, और जो हमारे आहार नाल का जो लाइनिंग है उसका सेल, एंड ब्लड सेल्स, और जो हमारे ब्लड का सेल है, बीइंग कंस्टेंटली रिप्लेस, जो कि निरंतर क्या होता है, निरंतर निरंतर रिप्लेस होते रहता है, ठीक है, तो रिप्लेस होते रहता है, तो इसमें क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और हम लोग जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। द एपिकल एंड द लेटरल कैंबियम रिजल्ट्स इन ए कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसमें माइटोटिक डिवीजन निरंतर चलते रहता है प्लांट में। अगर ये डिवीजन निरंतर चलते रहता है तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, जब प्लांट में ये डिवीजन निरंतर चल रहा है यानी कि कभी नहीं रुकेगा, जब तक वो प्लांट जीवित है तब तक चल रहा है, तो प्लांट भी क्या निरंतर ग्रो करते रहेगा, ठीक है। तो माइटोसिस का ये रोल था, ठीक है, माइटोसिस हम लोग जान गए कि क्या है और क्यों होता है और अब है क्या, कैसे होता है, तो कैसे होता है, तो चलिए जानते हैं पूरा सेल डिवीजन के बारे में, चलिए स्टार्ट करते हैं। फेज के बारे में हम लोग जानते हैं, सेल साइकिल में कौन कौन सा फेज होता है, यानी स्टडी के आधार पे सेल में जो डिवीजन होता है उसको डिफरेंट फेज में बांटा गया है, ठीक है, तो उस सारे के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले यहाँ पे कुछ ओवरव्यू है उसको जानते हैं। ए टाइपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर, जो कि क्या है, एक टाइपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल, यानी कि ह्यूमन सेल क्या है, एक कल्चर में हम इसे इलस्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। दीज सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर, और जो ह्यूमन का सेल है अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग 24 आवर में क्या डिवाइड करते रहता है, एक बार 24 आवर में एक बार ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा 24 आवर में किसका, तो ह्यूमन सेल, ठीक है। दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टू सेल टाइप, ठीक है। और जो ये सेल साइकिल का ड्यूरेशन है ये वेरी करता है ऑर्गेनिज्म से लेकर ऑर्गेनिज्म तक, और सेल के प्रकार पे भी ये क्या करता है, वेरी करता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म कैसा है और उसका सेल कैसा है इस पे सेल साइकिल डिपेंड करता है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ईस्ट का दिया हुआ है, कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स, ठीक है। और जो ईस्ट में सेल साइकिल कितने समय में वो कंप्लीट हो जाता है, तो 90 मिनट्स में, कितने समय में, तो 90 मिनट्स में, किसमें, ईस्ट में और ह्यूमन सेल में 24 आवर्स में, और बैक्टीरिया में जैसे कि ई कोलाई में कितने मिनट में, 20 मिनट में ही वो क्या करता है, डिवाइड कर लेता है, ठीक है। और यहाँ
फेज दिया हुआ है, यानी कि जो सेल डिवीजन को दो फेज में बांटा गया है, एक है इंटर फेज और दूसरा है एम फेज। ठीक है, इस सब के बारे में हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग माइटोसिस डिवीजन पढ़ेंगे। तो माइटोसिस फेज जो आ गया सेकेंड फेज, ठीक है, पहला इंटर फेज, उसके बाद एम फेज यानी कि माइटोसिस फेज पढ़ना है हम लोगों को। तो चलिए यहाँ से काफी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और हम लोगों को कंसंट्रेट करना है यहाँ से। द एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज वी एन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स एंड द इंटर फेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। ठीक है, तो एम फेज क्या रिप्रेजेंट करता है? तो एक्चुअल सेल डिवीजन यानी कि माइटोसिस को, जिसमें क्या होगा, सेल न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और क्या साइटोप्लाज्म डिवाइड करके दो डॉटर सेल में क्या हो जाएगा, दो डॉटर सेल में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइटोसिस के दौरान होता है, जबकि इंटर फेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, और जो दो सक्सेसिव एम फेज है उसके बीच के जो फेज है उसे क्या बोलते हैं, इंटर फेज। ठीक, इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ए ह्यूमन सेल। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि एवरेज ड्यूरेशन एक ह्यूमन सेल साइकिल का कितना होता है, तो 24 आवर, और इसमें सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट 1 आवर। जो सेल साइकिल का एवरेज ड्यूरेशन है वो क्या है, ह्यूमन सेल का 24 आवर, जबकि इसके सेल डिवीजन कितने, 1 घंटा में ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जो माइटोसिस होगा यानी कि 1 घंटा में हो जाता है, जबकि पूरा साइकिल में जो समय लगेगा 24 आवर। द इंटर फेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, और जो इंटर फेज है 95% ऑक्यूपाई करता है क्या, इंटर फेज, और बाकी जो 5% है माइटोसिस। ठीक है, द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन, और एम फेज कहाँ से स्टार्ट होता है, वो एम फेज न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट होते हैं, यानी कि एम फेज का स्टार्टिंग न्यूक्लियस डिवाइड करने लगता है एम फेज में जाने के बाद। कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोजोम कैरियोकाइनेसिस एंड यूजुअली एंड्स विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोकाइनेसिस। ठीक है, और एम फेज कहाँ से स्टार्ट होता है, तो न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट होता है, और जिसमें क्या होता है, डॉटर जो क्रोमोसोम है उसका सेपरेशन होता है यानी कि अलग अलग होता है। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, जिसे हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, और न्यूक्लियर डिवाइड करे तो न्यूक्लियर के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक, द इंटर फेज नाउ कॉल द रेस्टिंग फेज, और इंटर फेज में क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है और भी कुछ होते हैं, सिंथेसाइज होता है, जैसे कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ये सब इंटर फेज में होता है। ठीक है, और इंटर फेज को रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रेस्टिंग फेज इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, तो रेस्टिंग फेज बोला जाता है, और इस फेज में क्या होता है, सेल प्रिपेयर होता है डिवाइड करने के लिए। प्रिपेयर कैसे होता है, तो सेल क्या करेगा, ग्रो करेगा और इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा, जो कि एक एक सही मैनर में यानी कि ऑर्डर में चलता रहता है। ठीक है, और देखिए आगे है, द इंटर फेज इज डिवाइडेड इंटू 3 फर्दर फेज, और इंटर फेज को 3 फेज में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन है, पहला जीवन फेज यानी कि गैप वन फेज, जिसे ग्रोथ वन फेज भी बोलते हैं, और दूसरा है एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज, जिसमें क्या होता है, क्या होता है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, और तीसरा है जी टू फेज, जिसे गैप टू फेज या ग्रोथ टू फेज बोलते हैं। ठीक, चलिए प्रत्येक फेज यानी कि जीवन फेज, एस फेज और जी टू फेज के बारे में जानते हैं। जीवन फेज कॉरेस्पॉन्ड्स टू इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, जो जीवन फेज है किसके बीच का इंटरवल है, तो माइटोसिस के बाद, और डीएनए के रेप्लिकेशन से पहले वाला जो फेज है उसको क्या, जीवन फेज बोला जाता है। ठीक है, यानी डीएनए रेप्लिकेशन से पहले और माइटोसिस के बाद वाला। ठीक, ड्यूरिंग जीवन फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। और जीवन फेज के दौरान क्या होता है, सेल क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है, यानी कि इसमें एनर्जी का सिंथेसिस होता है, यानी कि सेल का ग्रोथ होता है, और सेल का ग्रोथ होता है और क्या होता है, और इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, जीवन फेज में रेप्लिकेशन वगैरह कुछ नहीं होता है, बस सेल क्या होता है, ग्रो करता है और मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है। ठीक, एस और सिंथेसिस फेज, एस फॉर सिंथेसिस, जिसे सिंथेसिस फेज बोला जाता है, मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। ठीक है, और एस फेज कब बोलेंगे कि एस फेज चल रहा है, तो इसमें डीएनए का सिंथेसिस या डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें किसमें, एस फेज में, या इसे सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, जो कि जीवन फेज के बाद आता है, और इसमें क्या होता है, किस फेज में डीएनए का सिंथेसिस या डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो एस फेज में। ये क्वेश्चन कितने बार आ चुके हैं ये पूछिए मत, कि डीएनए का सिंथेसिस और डीएनए का रेप्लिकेशन किस फेज में होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इसमें एस फेज में, एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस या रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, ये हम लोग को याद रखना है, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और
पूछ भी सकते हैं नीट वाले। दिविंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल्स डबल। और इस फेज में जो क्या है, इस फेज में जो डीएनए का अमाउंट है वो प्रत्येक सेल में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। किसका अमाउंट? डीएनए का। इस फेज में, इस फेज में क्या हो जाता है, तो डबल हो जाता है। किसका अमाउंट डबल हो जाता है इस फेज में? तो डीएनए का अमाउंट। मान लीजिए इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2c देन इट इंक्रीजेस टू 4c। अगर हम माने कि डीएनए का जो इनिशियल अमाउंट है पहले का जो अमाउंट है 2c है, ठीक है, तो ये बढ़कर क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है। तो 2c था तो 4c हो जाएगा, ठीक है। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोजोम नंबर। जबकि इसके क्रोमोजोम नंबर में कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं होता है, यानी कि क्रोमोजोम का संख्या सेम ही रहेगा। इफ द सेल हैड डिप्लॉयड और 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम एट G1 इवन आफ्टर इस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम रिमेन्स द सेम, ठीक है। अगर अगर वो डिप्लॉयड सेल है, ठीक है, तो क्रोमोजोम कैसा होगा, 2n नंबर में होगा यानी डिप्लॉयड होगा। तो G1 फेज में मानिए वो डिप्लॉयड है, तो इस फेज के बाद भी वो कैसा होगा, डिप्लॉयड ही होगा। यानी कि क्रोमोजोम की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जबकि डीएनए का संख्या जो है डबल हो जाता है, डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है, ठीक है। ये सारा किस में था, एस फेज में। इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस। और जो एस फेज में है एनिमल सेल में, एनिमल सेल में क्या, इसमें एनिमल सेल में डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है, तो न्यूक्लियस में स्टार्ट हो जाता है, इसमें एनिमल सेल में। एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म। और जो सेंट्रियोल है उसका डुप्लीकेशन कहाँ होता है, यानी सेंट्रियोल डुप्लीकेट कहाँ करता है, तो साइटोप्लाज्म में। डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में। ये भी पॉइंट काफी काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को ध्यान में रखना है। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस। और इंटरफेज में, तो इंटरफेज में सेल ग्रोथ तो कंटिन्यूअस चलता रहता है, यानी कि G1 फेज में, और G2 फेज में ग्रोथ चलता रहता है, और G2 फेज में साथ क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है। किसमें? G2 फेज में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। किसके लिए? तो माइटोसिस में। माइटोसिस में क्या होगा, माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर बनेगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और क्या होगा, जो डॉटर क्रोमोसोम है वो क्या होगा, कंडेंस होगा, कंडेंस होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। तो इसके लिए प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो G2 फेज में। किसमें? G2 फेज में किसका सिंथेसिस होता है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पे दिया हुआ है सम सेल्स, क्या सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपियर टू एक्सिबिट, क्या क्या, तो डू नॉट अपियर टू एक्सिबिट डिवीजन इन द हार्ट सेल एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली, ठीक है, एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ, ठीक है। हमारे शरीर में, यानी कि एनिमल के शरीर में कुछ ऐसे सेल है वो क्या करते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं, जनरली डिवाइड नहीं करते, लेकिन यानी डिवाइड तो करते हैं लेकिन जनरली डिवाइड नहीं करते, जैसे कि सारा सेल कर रहा है, तो ऐसा कौन सेल है, तो हार्ट का सेल है, ठीक है। और ये डिवाइड कब करेगा, यानी कि इसमें कुछ इंजरी हो गया या इसका कोई सेल डेथ हो गया, डेथ कर गया है, तब ये डिवाइड करेगा, वैसे डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो कौन सा सेल है, तो हार्ट का सेल। दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज टू इंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्यूसेंट स्टेज, या जिसे रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। यानी जो सेल है क्या करता है, कुछ ऐसे सेल है जो क्या करते हैं, डिवीजन नहीं करता है, नहीं करता है, तो वो G1 फेज में नहीं जा करके, यानी G1 फेज से क्या, एक इनएक्टिव स्टेज यानी कि इनएक्टिव फेज में चला जाता है, जिसे क्यूसेंट स्टेज बोलते हैं या रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं या रेस्टिंग फेज बोलते हैं, ठीक है। वहां से अपना रास्ता चेंज कर लेते, भाई इसको डिवाइड ही नहीं करना है, तो कह जाइए डिवीजन वाला फेज में, ठीक है। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफेरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, तो सेल का जो ये स्टेज है इसमें जो सेल क्या होता है, मेटाबॉलिकली रूप से क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, लेकिन डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, डिवाइड नहीं करता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े किसी भी ऑर्गेनिज्म को, यानी कि सेल क्या हो गया, इंजर्ड हो गया या सेल का डेथ हो गया, तो उस टाइम पे ये डिवाइड करेगा, लेकिन G1 G0 फेज में क्या होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है और सेल क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, यानी कि इसको डिवाइड करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे है, इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमेटिक सेल। एनिमल में जो माइटोटिक सेल डिवीजन है यानी कि माइटोसिस, वो कहाँ पे देखा जाएगा, तो डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में। इसमें डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में हम लोग तो ये जानते हैं कि माइटोसिस जो डिवीजन है वो जनरली डिप्लॉयड सेल में होता है, लेकिन एनिमल के सेल में ये सिर्फ किसमें देखा जाता है, तो डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में। किसमें? सोमेटिक सेल में, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल में नहीं, ठीक।
किसमें देखा जाता है? तो सोमेटिक सेल में। हाउ एवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शन टू दिस वेयर हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस फॉर एग्जाम्पल मेल हनी बी। ठीक है, और इसका कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ लोअर प्लांट में और कुछ सोशल इंसेक्ट में क्या होता है, हैप्लॉइड सेल भी माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट में किसमें होता था, जिसमें हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल हो, ठीक है, और इंसेक्ट में आ गया एग्जाम्पल अपना मेल हनी बी। कौन? मेल हनी बी, जिसमें कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, और इसका सेल कैसा है, तो हैप्लॉइड है। ठीक है, ये हम लोगों को याद रखना है, मेल हनी बी में होता है। ठीक, अगेंस्ट दिस द प्लांट्स कैन सो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। जबकि जनरली तो डिप्लॉइड सेल में होता है, लेकिन जो लोअर प्लांट है उसके लोअर प्लांट है जो हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल शो करता है उसमें भी माइटोसिस डिवीजन देखने को मिलता है। फ्रॉम योर रिकॉलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जेनरल इन प्लांट चैप्टर 3 आइडेंटिफाई प्लांट। तो हम लोग जानते हैं कि जिसमें हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल चलता था वो सारे क्या हैप्लॉइड सेल माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करता था, जो कि हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला फेज है अपना एम फेज। ये इंटरफेज खत्म हो गया, इंटरफेज उससे पहले हम लोग ये डायग्राम देखेंगे। डायग्राम देखिए, डायग्राम यहाँ पे G1 S और G2 फेज है। क्या देखिए, G1 S और G2 फेज है, जिसमें क्या है, जो इंटरफेज का पार्ट है, किसका पार्ट है, इंटरफेज का। जैसे कि ये G1 और S और G2 ये किसमें आ गए, इंटरफेज में। ठीक है, और इंटरफेज में हम लोग जानते हैं G1 में क्या होता है, तो G1 माइटोसिस और S फेज के बीच वाले फेज है, जिसमें क्या सेल ग्रो करता है और कुछ जो ऑर्गेनेल है उसका डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, यानी एक है तो दो होने लगता है। ठीक है, और इस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन या सिंथेसिस होता है। और जी टू फेज में क्या होता है, इसमें भी कुछ ऑर्गेनेल डुप्लीकेट करता है। ठीक है, और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और इसके बाद एम फेज आ जाता है। कौन फेज? एम फेज। ठीक है, जिसमें एक्चुअल डिवीजन स्टार्ट होता है, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड करने लगेगा और क्रोमोसोम सेपरेट होने लगेगा। तो ये सारे एम फेज में, और एम फेज को फर्दर बांटा गया है चार फेज में। किस किस में? चार फेज में, प्रो फेज में, मेटा फेज में, एना फेज में और टीलो फेज में। ठीक है, और ये सारे में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है और क्रोमोसोम कंडेंस होता है, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, और साइटोकाइनेसिस के बाद क्या होता है, सेल दो पार्ट में बट जाता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं एम फेज के बारे में, यानी कि माइटोसिस डिवीजन के बारे में। तो एम फेज यहाँ से कंसंट्रेट कीजिएगा, काफी यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, और क्वेश्चन अधिकतर जो क्वेश्चन है इसके बाद ही आता है। ठीक, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। ये जो एम फेज है, यानी कि माइटोसिस फेज है, इसे क्या ड्रामेटिक पीरियड भी बोला जाता है। इन्वॉल्विंग ए मेजर और डी ऑर्गेनाइजेशन वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स। और इसमें क्या होता है, जो सेल के कंपोनेंट है उसका रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि पुनर्गठन होने लगता है। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजनी सेल्स इज द सेम। और हम लोग जानते हैं कि माइटोसिस डिवीजन में जो डिवीजन होता है, जिसमें पेरेंट में जो जितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं उसके प्रोजनी यानी कि डॉटर सेल में भी उतने ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सेम होते हैं, इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। क्या? इक्वेशनल यानी कि इक्वल नंबर है। नाउ फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू फोर स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, और माइटोसिस को फर्दर क्या फोर स्टेज में डिवाइड किया गया है उसके न्यूक्लियर के डिवीजन के आधार पे। ठीक है, तो पहला है क्या प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा है टीलोफेज। ठीक है, इसे याद कैसे रखेंगे, PMAT। ठीक है, या आप याद रखे हुए कोई दूसरा तरीका से तो इसे ही याद रखिए। ठीक है, वो PMAT। ठीक है, तो चलिए जानते हैं प्रत्येक के बारे में। तो पहला है प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या क्या होता है, तो प्रोफेज कब स्टार्ट होगा, तो ये स्टार्ट होगा किसके बाद, G2 के बाद, और माइटोसिस का फर्स्ट फेज है एम फेज का। ठीक है, प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस फॉलो द एस एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज। कैरियोकाइनेसिस का कैसा फेज है, तो पहला फेज है, यानी कि एम फेज का पहला फेज है, जो कि G2 और एस फेज के बाद क्या स्टार्ट होता है। इन द एस एंड G2 फेज द न्यू DNA molecules form are not distinct but intertwined। और जो इस फेज ने क्या हुआ था, DNA का molecule जो बना था नया DNA का molecule, वो क्या जो intertwined था, यानी कि जो कंडेंस नहीं हुआ था, और ऊल की तरह, जैसे कि ऊल का जो गोला होता है उसकी तरह लपटा हुआ था। ठीक है, प्रोफेज इज मार्क्ड बाई द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। और प्रोफेज में क्या हो जाता है, जो कि DNA का molecule कैसा था, जो intertwined स्टेज में था, इसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज में। तो प्रोफेज में क्या स्टार्ट होता है, तो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है इसमें, प्रोफेज में। ये हम लोग को याद रखना है। ठीक है, अगला है द क्रोमोसोम मटेरियल बिकम्स अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, जो क्रोमैटिन है क्रोमोसोम का,
कंडेंस होना स्टार्ट हो गया है, कंडेंस यानी कि सघन होना स्टार्ट हो गया। किस फेज में? किस फेज? उधर तो सारा जो क्रोमेटिड था यानी कि क्रोमोजोम का जो भी मटेरियल था जो इससे पहले वाले फेज में यानी कि इस फेज में और जी टू फेज में क्या था, बिखरा हुआ था। और अब क्या प्रोफेज में? ये कंडेंस होना स्टार्ट हो गया यानी कि अब एक दूसरे के पास या सघन होना स्टार्ट हो गया। किस फेज में? तो प्रोफेज में। दो सेंट्रोसोम व्हिच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इस फेज ऑफ इंटरफेज नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। जो सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हुआ था इस फेज में, किसमें डुप्लीकेट हुआ था? तो साइटोप्लाज्म में हुआ था। जो अब क्या हुआ? जो अलग अलग पोल की तरफ यानी कि अपोजिट पोल की तरफ बढ़ने लगा दोनों सेंट्रोसोम। ठीक है, और प्रोफेज में कौन कौन से इवेंट होते हैं उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हम लोग को याद रखना है, जो भी इवेंट है वो हम लोग को याद रखना है। तो इसमें क्या होता है? क्रोमोजोमल मटेरियल कंडेंसेशन टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोजोम। जो पहले क्या था, क्रोमोजोम का मटेरियल था जो कैसा था, बिखरा पड़ा था, और प्रोफेज में क्या, कंडेंस होना स्टार्ट हो गया यानी कि कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो गया। क्रोमोजोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड्स अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। और इसमें जो क्रोमोजोम कैसा देखा गया, तो इसमें ऐसा दिखा गया कि क्रोमोजोम दो क्रोमेटिड का बना होता है और दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से क्या, सेंट्रोमियर से अटैच रहता है। ठीक है, दो क्रोमेटिड है और दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से अटैच है। ठीक है, इसमें ऐसा देखने को मिल जाता है। सेंट्रोसोम हीच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज। और सेंट्रोसोम जो डुप्लीकेशन हुआ था जिसका इंटरफेज में, बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। जो अपोजिट पोल की तरह बनना स्टार्ट हो गया। किस फेज में? तो प्रोफेज में। इच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्टार्च। और जो प्रत्येक सेंट्रोसोम जो अपोजिट पोल पे गया है उसे माइक्रोट्यूब्यूल क्या होगा, रेडिएट होगा यानी कि बाहर निकलेगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, एस्टर्स। क्या बोलेंगे? एस्टर्स। ठीक, द टू एस्टर्स टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म माइटोटिक स्पिन एपरेटस। ठीक, प्रोफेज में एक और घटना देखने को मिलती है क्या, तो सेल सेट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गॉल्जी कॉम्प्लेक्सेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर एनवेलप। और जो प्रोफेज का जो अंत है यानी कि जब ये अंत होता है प्रोफेज का, तो इसमें गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर न्यूक्लियस का जो एनवेलप है यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप, ये सब नहीं दिखता है यानी कि डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज के अंत में। तो कौन कौन डिसअपियर होता है? तो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सब क्या हो जाता है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज के अंत में। अगला फेज हम लोग का मेटाफेज। तो चलिए जानते हैं मेटाफेज के बारे में। तो चलिए जानते हैं मेटाफेज के बारे में, मेटाफेज में क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। द कम्प्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस, हेंस द क्रोमोजोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर एनवेलप उसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट कहाँ हो गया था, कहाँ हो गया था, डिसअपियर होना कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो किसमें, प्रोफेज में स्टार्ट हो गया था उसके लास्ट में। लेकिन इसमें जो डिसइंटीग्रेशन है कंप्लीट हो जाता है न्यूक्लियर एनवेलप का। मान लीजिए कि न्यूक्लियस में क्रोमोजोम प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस में ही रहता है क्रोमोजोम, ठीक है, और उसका जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो गया, गायब हो गया, तो वो क्या होगा, क्रोमोजोम बिखर जाएगा, बिखरेगा या नहीं बिखरेगा, तो बिखर जाएगा, कहाँ बिखरेगा, तो न्यूक्लियस के बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म में, उसमें उसका क्रोमोजोम बिखर जाता है। क्यों बिखर जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस का एनवेलप है जो क्या हो गया है, डिसअपियर हो गया, इसलिए यहाँ पे बिखर जाता है पूरा क्रोमोजोम साइटोप्लाज्म में। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। और इस स्टेज में जो क्रोमोजोम का कंडेंसेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और कंडेंसेशन स्टार्ट किस फेज में हुआ था, तो प्रोफेज में हुआ था, और पूरा कंडेंसेशन कंप्लीट एम फेज में यानी कि एम फेज के मेटाफेज में हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्रोमोजोम है उसका स्ट्रक्चर क्लियरली देखने को मिलता है हमको माइक्रोस्कोप के द्वारा, किस फेज में, तो एम फेज के मेटाफेज में। ठीक है, दिस देन इज द स्टेज व्हिच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम इज मोस्ट इजीली स्टडीड। और इस फेज में क्रोमोजोम क्या माइक्रोस्कोप से क्लियरली देखने लगता है, तो इस फेज में ही ना हम लोग क्या कर पाएंगे, तो क्रोमोजोम के मॉर्फोलॉजी के जिस फेज में दिखेगा उसी में ना हम स्टडी कर पाएंगे उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो मेटाफेज में क्रोमोजोम क्लियरली देखने लगता है और इसको हम लोग इजीली स्टडी कर सकते हैं मेटाफेज में। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। तो ये हम लोग तो जानते ही है कि क्रोमोजोम क्या होता है, दो सिस्टर क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है, और जो दोनों क्रोमेटिड है सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। ठीक है,
स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सर्फेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स, ठीक है। और जो डिस्क से जैसा डिस्क शेप जैसा स्ट्रक्चर रहता है वो काइनेटोकोर, जो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो सेंट्रोमियर के सरफेस पे वो प्रेजेंट रहता है, जो क्या करता है, दिस स्ट्रक्चर सर्व्स एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मड बाय द स्पिंडल फाइबर्स टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। और तो ये क्या है, काइनेटोकोर और स्पिंडल फाइबर बना था, किसे बना था, तो सेंट्रोसोम से क्या माइक्रोट्यूबुल निकला था जो एस्टल बोला गया, और जो एस्टल है जो दोनों एस्टल स्पिंडल फाइबर का निर्माण किया, और ये स्पिंडल फाइबर दोनों क्रोमेटिड जो क्रोमोजोम में प्रेजेंट है उसके काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया, ठीक है। इसे तो काइनेटोकोर से क्रोमेटिड में जो काइनेटोकोर प्रेजेंट है उसके सेंट्रोमियर के ऊपर, ठीक है, उसे क्या हो गया, अटैच हो गया, यानी कि पकड़ लिया। अब तो क्रोमेटिड को क्या किया, बांध लिया कौन, स्पिंडल फाइबर। अब क्या करेगा, जो बिखरा हुआ है साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम उसको अब खींचना स्टार्ट कर देगा दोनों पोल की तरफ, ठीक है। हेंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर विद वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड टू बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट पोल, ठीक है। जो क्या था, को क्या था, क्रोमेटिड क्रोमोजोम का, तो क्या अब होने लगा, तो स्पिंडल फाइबर से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया काइनेटोकोर के द्वारा, ठीक है। जो दोनों क्रोमेटिड है, मान लीजिए एक ऊपर क्रोमेटिड है, और फिगर में देखिए, फिगर में या ट्रांजिशन टू मेटाफेज में, यहाँ पे देखिए दो क्रोमेटिड है, ठीक है। ऊपर वाला जो क्रोमेटिड है वो ऊपर वाले किसे किसे स्पिंडल फाइबर से कनेक्ट हो गया, और जो नीचे वाले क्रोमेटिड है वो नीचे वाले स्पिंडल फाइबर से क्या हो गया, काइनेटोकोर के थ्रू कनेक्ट हो गया, और स्पिंडल फाइबर अब क्या करेगा, दोनों को खींचना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब खींचना स्टार्ट किया तो खींचेगा तो ये क्या सेंटर में एक इक्वेटर पे अरेंज हो जाएगा, जैसे कि इसका जो सेंटर का जो सरफेस होगा, मान लीजिए गोला है, इसके सेंटर का जो सरफेस होगा उस पर क्या एलाइन हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर खींचेगा तो एलाइन तो होगा ही, तो एलाइन हो जाएगा, ठीक है। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स एट मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज मेटाफेज प्लेन, और जो ये एलाइन हो गया कहाँ पे, तो सेंटर में, सेंटर में ये एलाइन हो गया, लाइन हो गया इक्वेटर के, इक्वेटर की तरफ, ठीक है। तो इसे क्या मेटाफेज प्लेट बोला जाता है, ठीक है। द प्लेन अलाइनमेंट ऑफ, जिस प्लेन में अलाइन हुआ है क्रोमोसोम मेटाफेज स्टेज में, जिसे हम लोग मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। और देखिए मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को याद रखना है, कौन कौन सा इवेंट होता है, तो चलिए जानते हैं। इसमें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम, तो स्पिंडल फाइबर अटैच होता है क्रोमोसोम से उसके काइनेटोकोर के द्वारा, ठीक है। अगला है क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट एलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स, और क्या है, जो स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम अटैच हुआ है वो एलाइन हो जाएगा अब इसके इक्वेटर पे, जिसे इक्वेटर पे इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, ठीक है, जो कि दोनों स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा अपने अपने पोल की तरफ खींच लिया गया क्रोमोसोम को, ठीक है। तो मेटाफेज में ये पॉइंट हम लोगों को जानना था कि क्रोमोजोम क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी कि साइटोप्लाज्म में फैल गया, उसके बाद क्रोमोजोम क्या हुआ, क्रोमोजोम स्पिंडल फाइबर के द्वारा अटैच हुआ, और स्पिंडल फाइबर क्रोमोजोम को खींचना स्टार्ट किया और इक्वेटर पे अरेंज कर दिया, और इस अरेंजमेंट को क्या बोला गया, मेटाफेज, मेटाफेज प्लेट बोला गया, ठीक है। तो ये हम लोग को मेटाफेज में पढ़ना था। अगला है एनाफेज, तो चलिए एनाफेज में जानते हैं क्या क्या है। तो मेटाफेज में क्या क्या हुआ था, तो मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर अटैच किया था किसे, इसे क्रोमोजोम से, और खींचना स्टार्ट हो गया था, और खींचने के बाद क्या सेंटर पे एलाइन हो गया था, कौन एलाइन हो गया था, तो क्रोमोजोम। अब एनाफेज में क्या होगा, जो सेंटर पे एलाइन हुआ है, जैसे मान लीजिए वो एड्स देखे हुए फेविकॉल वाला, जो जो बॉल था और दोनों बॉल को फेविकॉल से चिपका दिया गया था और दो हाथी खींच रहे थे, ठीक है। तो जो दोनों हाथी मानिए वो क्या है, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। और जो ये बॉल है, जो बॉल का जो टुकड़ा है आधा आधा जो जुटा हुआ फेविकॉल से, तो इसी तरह से जो क्रोमेटिड है वो एक दूसरे से क्या है, जुटे हुए हैं फेविकॉल की तरफ, ठीक है। और दोनों हाथ यानी कि स्पिंडल फाइबर खींच रहे हैं अपनी अपनी तरफ, ठीक है, अपनी अपनी पोल की तरफ, ठीक है। वो अब खींचना स्टार्ट हो गया, खींचने के बाद मेटाफेज में तो ये क्या बीच में चल गया था, सेंटर पे चल गया था। अब एनाफेज में ये क्या होगा, ये जो दोनों बॉल है यानी कि दोनों क्रोमेटिड है, जो क्या होगा, एक दूसरे से अब अलग होना, भाई जोर से खींचेगा तो अलग होगा ही, अब तो क्या अलग होना अब स्टार्ट हो गया, किसमें, एनाफेज में। तो चलिए जानते हैं, एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज इच क्रोमोजोम अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट
simultaneously and the two daughter chromatids, now referred to as daughter chromosomes of the future daughter nuclei, begin their migration towards the two opposite poles. ठीक है, जो क्या हुआ था, क्रोमोजोम अरेंज हुआ था मेटाफेज प्लेट पे, अब क्या हुआ, अब क्या होगा एनाफेज में, तो एनाफेज में ये अब क्या होगा, अपने अपने पोल की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि खींचना स्टार्ट हो जाएगा दोनों क्रोमेटिड, क्योंकि इससे अटैच था तो काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर के थ्रू, अब जो दोनों क्रोमेटिड क्या अपने अपने पोल की तरफ इसमें क्या बढ़ने लगेगा, और दोनों क्रोमेटिड बढ़ेगा जो कि डॉटर सेल में एक अलग क्रोमोजोम का निर्माण करेगा, किसमें, डॉटर न्यूक्लियाई में, जो किसमें प्रेजेंट रहेगा, डॉटर का जो न्यूक्लियस है उसके सेल का जो न्यूक्लियस है, जो क्रोमेटिड अब क्या क्रोमोजोम में क्या हो गया, क्रोमोजोम में रेफर हो गया। ठीक है, अगला है, और दोनों ये क्या अपने अपने पोल की तरफ बढ़ने लगा, एज ईच क्रोमोजोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट द सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोजोम रिमेंस डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल। ये क्या बोल रहा है, जब ये क्रोमोजोम अपने अपने इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ मूव करने लगे, यानी कि पोल की तरफ मूव करने लगे, तो किसे अटैच था, स्पिंडल फाइबर के द्वारा, तो काइनेटोकोर से, और काइनेटोकोर किसे अटैच रहता है, तो सेंट्रोमियर से, तो ये सेंट्रोमियर से जब अटैच है, जब स्पिंडल फाइबर खींचेगा तो कौन सा पार्ट खींचाएगा, तो सेंट्रोमियर वाला पार्ट ये खींचाएगा, तो सेंट्रोमियर वाला पार्ट जो है वो पोल की तरफ बढ़ जाता है, जबकि हैंड्स एट द लीडिंग एज विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोजोम ट्रेलिंग बिहाइंड, जबकि इसका जो आर्म है, किसका, क्रोमोजोम का जो आर्म है वो इसके पीछे रह जाता है और सेंट्रोमियर इसकी पोल की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, और इसका हम लोग को पॉइंट क्या क्या याद रखना है, तो चलिए जानते हैं कौन कौन सा पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि सेंट्रोमियर से स्प्लिट एंड क्रोमेटिड्स सेपरेट, सेंट्रोमियर क्या हो गया, जो सेंट्रोमियर था स्प्लिट होने लगा, यानी कि टूटने लगा, और जो क्रोमेटिड है, जब सेंट्रोमियर से अटैच है क्रोमेटिड, ठीक है, और सेंट्रोमियर ही स्प्लिट हो गया तो क्रोमेटिड तो सेपरेट होगा ही, तो क्रोमेटिड का सेपरेशन स्टार्ट हो गया, किसमें, इसमें, तो एनाफेज में। और अगला है क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल, और जो क्रोमेटिड है अपने अपने पोल की तरफ, यानी कि जिस स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ है उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गया, इसमें, एनाफेज में। अगला है टेलोफेज, तो टेलोफेज आखिरी फेज है मेटाफेज का, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, जो बिगनिंग है फाइनल स्टेज कैरियोकाइनेसिस का, जैसे कि जिसे क्या बोला जाता है टेलोफेज, द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स डिकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, और जो ये क्या था क्रोमोसोम, वो अपने अपने पोल की तरफ क्या हो गया, बढ़ गया, अपने अपने पोल की तरफ चला गया, किसमें, वो तो पोल की तरफ चला गया था एनाफेज में ही, ठीक है, और पोल की तरफ जाने के बाद क्या हुआ, जो एक दूसरे अपने साथ थे, साथ वाले, वो अपने अपने आइडेंटिटी को क्या लॉस कर दिए, यानी जो साथ साथ में वो आइडेंटिटी था वो अपना पहचान बना लिए इसमें, ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है, अपने अपने तरफ बढ़ गए पोल की तरफ, तो अपने अपने पोल की तरफ बढ़ गए, देखिए एनाफेज का यहाँ पे फिगर, एनाफेज में अब देखिए दोनों क्या हो गया, दोनों क्रोमेटिड अपने अपने पोल की तरफ बढ़ गया एनाफेज में, सी वाला फिगर, ठीक है, और टेलोफेज में अपने अपने तरफ बढ़ गया, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब आ गया तो न्यूक्लियस का क्या होगा, न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवीजन स्टार्ट कर देगा, इसमें न्यूक्लियस का पूरा डिवीजन हो जाता है, द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल फेज टू कलेक्ट एट ईच ऑफ टू पोल्स, ठीक है, जो इंडिविजुअल क्रोमोजोम था जो अब क्या एक दूसरे के साथ नहीं देखा जाएगा, जो कि सेपरेट हो चुका है और अपने अपने पोल की तरफ क्या हुआ टेंड हो चुका है, तो इसमें कुछ पॉइंट याद रखना है, क्या क्या इवेंट होता है टेलोफेज में, पहला है क्रोमोजोम्स क्लस्टर्ड एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट, क्रोमोजोम क्लस्टर यानी कि क्रोमोजोम था जो क्या हुआ अपने अपने स्पिंडल पोल की तरफ क्या हो गया बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया और क्या हो गया अपने अपने पहचान को क्या किया खो दिया, ठीक। अगला है न्यूक्लियर इनवेलप डेवलप, अब इसमें क्या हुआ न्यूक्लियर इनवेलप डेवलप होगा अराउंड द क्रोमोजोम क्लस्टर्स एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है, और न्यूक्लियर इनवेलप फॉर्म हो गया दोनों दोनों क्लस्टर के पास अपना अपना न्यूक्लियर इनवेलप, वो न्यूक्लियर इनवेलप जब दो फॉर्म हो गया तो न्यूक्लियस में भी दो ही होगा ना, देखिए यहाँ एनाफेज में यहाँ पे जो क्रोमोजोम है एक पोल पे इसके चारों तरफ क्या होगा इसके चारों तरफ न्यूक्लियस न्यूक्लियर इनवेलप क्या हो जाएगा बन जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ प्रयास कर रहा हूँ दिखाने का, दिख लिया जैसे ये है ये यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इसको घेर लिया ये न्यूक्लियर इनवेलप एक को घेर लिया ये वो पोल वाले को और दूसरा घेर लेगा दूसरा इसको घेर लेगा इस क्रोमोजोम को तो क्या दो न्यूक्लियर इनवेलप हो गया और न्यूक्लियर इनवेलप दो हो गया तो न्यूक्लियस कितने हो गए दो हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट हो यानी कि न्यूक्लियस पूरा डिवाइड हो जाता है टेलोफेज में, ठीक है, और जो गायब हुए थे डिसअपीयर हुए थे क्या ऑर्गेनेल्स सब जैसे कि न्यूक्लियोलस गॉल्जी कॉम्प्लेक्स और इंडोप्लाज्मिक
यदि कुलम जो सारे क्या हो गए, सब फिर से संगठित हो गए, ठीक है, टीलोफेज में, ठीक। तो न्यूक्लियस गॉल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दोबारा क्या हो गया, फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, यानी कि फॉर्म हो गया। अगला है साइटोकाइनेसिस, इसका लास्ट प्रोसेस है माइटोसिस का, तो चलिए जानते हैं। अब तो क्या कैरियोकाइनेसिस हो गया पूरा, अब साइटोकाइनेसिस होगा, तो चलिए साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन अब इसमें होगा। क्या कर रहा है, माइटोसिस एकम्प्लिस्ड नॉट ओनली द सेग्रेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम इंटू डॉटर न्यूक्लियाई यानी कैरियोकाइनेसिस, बट सेल्स सेल्फ डिवाइडेड इंटू टू डॉटर सेल्स बाय सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोकाइनेसिस एट द एंड ऑफ व्हिच सेल डिवीजन गेट्स कॉम्प्लीकेटेड, ठीक है। यानी कि वहाँ पे क्या हो गया था, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया था, और यहाँ पे न्यूक्लियस अब डिवाइड कर गया था, सेल को तो दो भाग में बंटना है, जब सेल को दो भाग में बंटना है तो साइटोप्लाज्म को भी दो भाग में बंटना होगा। तो इसमें क्या होता है, क्रोमोजोम का तो डुप्लीकेशन होता ही है, यानी डॉटर न्यूक्लियाई तो बनता ही है, और साथ में जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड करके जो दोनों दोनों डॉटर सेल बने हैं उसमें सेपरेट हो जाते हैं, क्या, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इन एन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ ए फ्यूरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एनिमल सेल में ये एक फ्यूरो के रूप में क्या होता है, अपियर होता है, और किसमें, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और फर्दर फिर फ्यूरो ये क्या करता है, फ्यूरो बनाता जाता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, एक दूसरे से फिर अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए फ्यूरो बन रहा है टीलोफेज में, साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन देखिए, दोनों साइड से क्या फ्यूरो बन रहा है, और ये फ्यूरो क्या एक दूसरे से बाद में क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और अलग हो जाएगा तो दो अलग अलग सेल बन जाएंगे। द फ्यूरो ग्रेजुअली डीपर, और ये फ्यूरो क्या होता है, डीपर होते जाता है, डीपर होते जाता है, एंड अल्टीमेटली ज्वाइंस इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू, ठीक है। और ये फ्यूरो क्या डीपर होते गया, और डीपर एक दूसरे से जब अटैच हो जाएगा, तो अटैच होने के बाद क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और साइटोप्लाज्म को दो भाग में बांट देगा, और दो भाग में बांट देगा तो ये सेल भी दो पार्ट में बट जाएगा। अगला पॉइंट है हम लोगों का, प्लांट सेल्स हाउएवर आर इनक्लोज्ड बाय ए रिलेटिवली एक्सटेंसिबल सेल वॉल। हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट का सेल होता है एक एक्सटेंसिबल सेल वॉल से क्या होता है, कवर होता है, देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय ए डिफरेंट मैकेनिज्म, इसलिए ये साइटोकाइनेसिस एक अलग तरीके से शो करता है, इसमें फ्यूरो का निर्माण नहीं होता है प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में फ्यूरो का निर्माण होता था। इन प्लांट सेल्स वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटर वॉल, जो प्लांट सेल है उसके सेंटर में एक नए वाल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि क्या करता है, आउटग्रोथ शो करता है, और आउटग्रोथ करने के दौरान ये जो लेटरल वाल्स है जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है वाल उसे क्या करेगा, मिल जाएगा यानी कि जुड़ जाएगा, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वाल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंपल प्रीकर्सर और द सेल प्लेट, जो नए सेल वाल का जो फॉर्मेशन हुआ है यानी कि स्टार्ट हुआ है बनना, वो एक सेल में प्रेजेंट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग सेल प्लेट बोलते हैं, उससे क्या हुआ है, नए वाले सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, दैट रिप्रेजेंट्स द मिडिल लैमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल, जो कि मिडिल लैमेला को रिप्रेजेंट करता है ये दो सेल के बीच में, ठीक है। दो सेल है उसके बीच में क्या रिप्रेजेंट करेगा, मिडिल लैमेला को, कौन, तो सेल प्लेट, और सेल प्लेट से किसका निर्माण होता है, दो नए वाले सेल वॉल का। अगला है, एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनिल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल, और जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है उसी दौरान क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड ये क्या होता है, डुप्लीकेट होकर के डॉटर सेल जो बना है डिवीजन के दौरान उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। अगला है, कुछ ऐसे सेल है होते हैं जिसमें क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस तो हो गया लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उसे सिंसाइटियम स्टेज बोला जाता है, वही है। In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis as a result of which multinucleate condition arises leading to the formation of syncytium. ठीक है, कुछ ऐसे organism हैं जिसमें क्या हुआ, karyokinesis हो गया यानी nucleus का division हो गया लेकिन cytokinesis नहीं हुआ यानी कि cytoplasm उसका divide नहीं कर पाया, तो cytoplasm अगर divide नहीं किया और nucleus divide कर गया तो nucleus क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन बोलेंगे, और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनोसाइट बोलते हैं यानी कि सिनसाइटियम स्टेज बोलते हैं, ठीक है। जो किसमें देखने को मिलता है, तो कोकोनट में देखने को मिलता है, किसमें, कोकोनट में, नारियल में, इज लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, जो कि मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन का एग्जाम्पल है और सिनसाइटियम का एग्जाम्पल है, जो कोकोनट का वाटर होता है जो एंडोस्पर्म का फॉर्म होता है जो कि मल्टी न्यूक्लियेटेड होता है यानी कि सिनसाइटियम होता है, ठीक है। ये हम लोगों को जानना था, अपना माइटोसिस खत्म हो गया और सिग्निफिकेंस तो हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं, लगभग 50 मिनट हो चुके हैं, और आप लोग अगर ज़्यादा टाइम का वीडियो रहता है तो आप लोग उसे देखते नहीं हो पूरा, अगर आप लोग पूरा नहीं देखोगे तो
फिर से आपको देखना तो पड़ेगा ही, या यहाँ नहीं देखिए कहीं और देखिए, या एनसीईआरटी बुक को फिर से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, यानी कि माइटोसिस पूरा खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग मियोसिस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो फिर से आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। ये तो आप जान लीजिए कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, बिना इसके कोई गुजारा नहीं है, बिना एनसीईआरटी के नीट नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं, ये लिख करके ले लीजिए। ठीक है, और भ्रम में जी रहे तो भ्रम में जिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर इंक्रीज हो सके और लाइव डिस्कशन स्टार्ट कर सके। और लाइव डिस्कशन में हम लोग डाउट भी क्लियर करेंगे और एमसीक्यू सेशन भी अपना लाइव ही आएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइट एंड टेक केयर।